வச்சு வந்து வா क्या नाम है महावीर कुमार सिंह। अच्छा तुम्हारा नाम? शिवम प्रमाणिक सर। वहाँ कहाँ से हो? सर BIT मिश्रा। मिश्रा सर क्या नाम है? अनुप्रिया सुबह सर पर हम बाल पत्रकारों को आपसे मिलने का मौका मिला। इस प्लेटफॉर्म को यूज करके बच्चे आज एज सर जैसा कि आप जानते हैं पिछले आज हमारा ये तीसरा सिंहभूम में बच्चों के साथ में था। प्रिया कुमारी मुख्यमंत्री सर मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हमारे राज्य में बहुत से लड़के हैं सर उन बच्चों के माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई लिखाई जितनी जरूरी है जीवन में खेल भी उतनी जरूरी है। खेल भी एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी बच्चा अपना नाम रोशन कर सकता है। सिर्फ अपने लिए नहीं खेल की रुचि रखने वाले बच्चों को खेल की दिशा में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं बाल पत्रकार शिवम प्रमाणिक सर आपके अनुसार बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि मैं समझता हूं कि बाल अधिकार आज के दिन में पहले भी था अब भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि बच्चे आने वाले समय की एक नई पीढ़ी के रूप उनके अधिकारों को उन तक पहुंचे इसके रास्ते को ठीक से तय कर पाए। मैं बाल पत्रकार डिंपल कुमार सर आपने खेल को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे पहल किए वे कौन से पहल हैं जिसके माध्यम से इस राज्य में जो बच्चे हैं वो काफी लगन से सीमित संसाधनों में सीमित अपने हुनर का निखार करते हैं और इस विषय को लेकर हम लोग अब प्रयासरत हैं कि इन बच्चों को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम लोगों ने जिसके माध्यम से बच्चों को आगे खेलने का मौका मिलेगा और जो नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग जगह जो विजेताओं को हम लोग नियुक्तियां भी कर रहे हैं नौकरियों में भी हम लोगों ने कुछ परसेंटेज खिलाड़ियों के लिए रखा है और मुझे लगता है जो पॉलिसीज बनी हमारी उस चे को प्रोत्साहन करने का सरकार करेगी और बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट जगेगा। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अभी जैसे आपको पता है कि पंचायत लेवल में भी हम लोग ब्लॉक लेवल में भी जिला लेवल में भी हर जगह हम लोग खेल को गांव से लेकर शहर तक कनेक्ट कर रहे हैं और शहर से लेकर के देश दुनिया तक इसको कनेक्ट करने का हम लोग का एक बहुत बड़ा कार्य योजना है और उसमें का हो या लड़की हो इन दोनों को समान अवसर हम लोग को प्रदान करेंगे। नमस्ते सर मेरा नाम है असलम उराम मैं वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम की कैप्टन असलम उराम। मेरा जर्नी बचपन से स्टार्ट था मैं बचपन से फुटबॉल खेला करती और खेलना स्टार्ट की थी। जब मैं 2016 में आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में ज्वाइन की वहाँ मैं 4 साल से प्रैक्टिस की थी। फिर मैं 2019 में जब मैं इंडिया कैंप का जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा गोवा में हम लोग कैंप किए थे। फिर हम लोग सबसे पहले हांगकांग के लिए गए थे खेलने के लिए जो वर्ल्ड कप होने वाला था 2020 में जो पोस्टपोन होकर अभी 2022 में हुआ है।
उसके बीच लॉकडाउन के कारण हम लोग घर आना पड़ा और हमारे घर के झारखंड सरकार ने हमें हेल्प की और हम लोगों को मदद की, जिसके कारण हम लोग गेस्ट हाउस में रुक के हम लोग का प्रैक्टिस, हमारे डाइट को ध्यान रखते हुए हमें सपोर्ट किए। फिर इसके बाद हमारा कैंप गवर्नमेंट सरकार के तरफ से ही हमारा कैंप जमशेदपुर में लगा, जो हमारी तरह था, क्योंकि हमारे झारखंड में कैंप लगा था तो हमारा और मन कर रहा था हम लोग और मेहनत करें और हम सब बच्चों कैंप सिलेक्शन पाके हम अपनी टीम का नेतृत्व कर सके, इंडिया टीम का। और फिर हमारा जब मैच हमारा ओडिशा में हो रहा था भुवनेश्वर में, तो हमारा पहला मैच यूएसए के अगेंस्ट था और सेकेंड मैच मोरक्को के अगेंस्ट और थर्ड मैच ब्राजील के अगेंस्ट। हम लोग उसके अगेंस्ट हमारे अंदर जो जज्बा था वो नहीं हारा था, हम लोग को और खेलने का मन था, बट हम लोग हार चुके थे तो हम लोग मन से नहीं हारे थे, हम उनसे किस चीज पे वर्क करना है और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है, तो हम लोग को ये सारी बातें सीखने के लिए मिला। और हम लोग इतना हम लोग आप सर आपने हमारे पेरेंट्स को वहाँ मैच देखने के लिए भेजे, इसके लिए देख पाए, जिसके आपने हमें ये मौका दिया, थैंक यू सर। और आप लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग के अंदर जितने भी जुनून है, जो या तो पढ़ाई के क्षेत्र हो या तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र हो, आप लोग उसे निखारिए, ये नहीं कि दबा के रखिए। अगर आप उस चीज को स्टेज मिल पाएगा और आप एक दिन अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं बाल पत्रकार सरिता मुंडा। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सर हमारे राज्य की किस समस्या को आप सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं? और इस सबसे बड़ी चुनौती इस राज्य में शिक्षा का है और राज्य की 50% समस्या सॉल्व हो गई। शिक्षा को लेकर हमारा निरंतर प्रयास है, यहाँ के बच्चों के लिए सरकार नए सिरे से शिक्षा का एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। ये दोनों अगर हमारे इस राज्य से खत्म हो जाए जिला लेवल पर, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ना कर रहे हैं। इतनी सरलता और स्पष्टता के साथ इन बच्चों के सवालों के जवाब दिए। Thank you, sir.